लालशेखर एक हॉस्पिटल है जिसका लेवल जुपिटर का है। न जाने कितनी मौतें हमारी अस्पताल के वजह से हो गई, उनको सबको सस्पेंड कर देना चाहिए और सबको भी इंक्वायरी लगाना चाहिए। पिक्चराइज करके गलत बता दिया जाए, ऐसा नहीं है। राजू अंसारी ने भी शहर में खिदमत किया है, तो मामले को लड़ के ये चीज को खत्म की जाए। कोरोना काल के मुंब्रा के हालात पर सैयद अली अशरफ भाई साहब ने आवाज उठाई है। एमएम वली पर बन रहे टीएमसी अस्पताल पर कहा है कि अगर टीएमसी अस्पताल बन गया होता तो शहर के मरीजों का इलाज इस अस्पताल में होता, और अस्पताल बनने में इतनी देरी क्यों हो रही है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और दोषियों को सस्पेंड किया जाए। वहीं कालशेखर अस्पताल के मामले में भी सैयद अली अशरफ भाई साहब ने कहा कि किसी एक व्यक्ति को गलत बताना ठीक नहीं है। राजू अंसारी भी इस शहर में अच्छे काम किए हैं। यहाँ के अस्पतालों की किल्लत है और कालशेखर को लेकर बहुत कंप्लेंट आ रही है, वहाँ देख रेख ज़्यादा है, फीस भी ज़्यादा है मेरा। देखिए ऐसा है कि हमारे पास टोटल मिला के एक ही हॉस्पिटल बचा है कालशेखर, और उसकी अपन शिकायत भी कर ले या उसकी बुराई कर ले या उसकी अच्छाई बयान कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ हुआ है। लेकिन अब हमारे पास सब्सिट्यूट ही कोई नहीं है नॉर्वे हमारे पास इस शहर के लिए। ये हमारा हॉस्पिटल सरकारी बना ही नहीं है। कालशेखर एक हॉस्पिटल है जिसका लेवल जुपिटर का है। अगर जुपिटर का और कालशेखर का लेवल देखा जाए तो बराबर है, बिलिंग अगर देखा जाए तो सेम एसिटीज है, उनका ज़्यादा होगा इनका कम होगा। तो कहीं ना कहीं अब हम शहर की बुराई ना करते हुए हम ये चाहते हैं कि कैसा भी समेटा जाए और जितना हो सके उतना, जितनी कोशिश हो सके उतना करके ये मामले को लड़ के ये चीज़ को खत्म की जाए। को लेकर जैसे राजू अंसारी का जो मामला सामने आया था तो उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए राजू अंसारी बेहतरीन काम कर रहा है। किसी के अभी एक सवाल उठेगा कि मैंने तारीफ कर दिया, तारीफ करने की नहीं, लड़ाई झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़े में इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। और मैं ये बोलता हूँ कि हमारे लोगों को चाहिए कि हमारे बड़े जैसे आमदार साहब है, आवाज साहब है, उन तक कंप्लेंट अगर करना तो किस तरीके की, किस हालात में कैसी कंप्लेंट करना चाहिए, तो उस तरीके की कंप्लेंट करना चाहिए। एक पर्टिकुलर आदमी को पूरा पिक्चराइज करके गलत बता दिया जाए, ऐसा नहीं है। राजू अंसारी ने भी शहर में खिदमत किया है, सारे लोगों ने शहर के लिए खिदमत किया है, और ये वक्त वो सब नहीं किसी की बुराई भलाई का। चलता जो हो गया तो हो गया, उसको भूल जाना है और शहर को आगे बढ़ाना है। इतनी मेहनत हो रही सब हो रहा है, आज करीब करीब बहुत साल हो गए अस्पताल का काम मुकम्मल नहीं हो रहा है, आज उसकी बहुत ज़रूरत थी, तो क्यों उसमें ताखीर हो रही है? बहुत सारा बजट भी आया, बहुत सारे लोग उस पर शिकायत भी कर रहे हैं, तो इस वक्त तो उसकी बहुत ज़रूरत थी। देखिए इस वक्त शहर को हकीकत में इस वक्त शहर को अस्पताल की ज़रूरत थी, और जितना भी दौर गुजरा है हमारा इस शहर के अंदर, उसमें जिस तरीके से प्राइम अस्पताल की शिकायत, बिलाल हॉस्पिटल की शिकायत, कोई इसमें लिया जा रहा है, न जाने कितनी मौतें हमारी अस्पताल के वजह से हो गई, ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से हुई है। तो ये अल्लाह की तरफ से एक समय से ये कहर था, मेरा क़यामत सुग्रा थी। बड़े लोगों को हमने खोया, किसी को गैस के लिए हमने खो दिया, किसी को हमने एम्बुलेंस के लिए खोया, मेरा। लेकिन ये अस्पताल में हकीकत में मैं तो ये बोलता हूँ कि इस अस्पताल के अंदर जो अफसर इन्वॉल्व है इसको काम करवाने में या काम करने में, उनको सबको सस्पेंड कर देना चाहिए और उनसे बाकायदा इंक्वायरी लगाना चाहिए कमिश्नर को, और हमारे अवार्ड साहब के माध्यम से बोलता हूँ, अवार्ड साहब को भी इंक्वायरी लगाना चाहिए कि, और एकनाथ शिंदे जी पालक मंत्री को भी लगाना चाहिए इंक्वायरी कि ये हॉस्पिटल में इतनी देरी क्यों हुई, इतनी लापरवाही क्यों हुई, क्या ये शहर के इतने लोग जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास रुपया नहीं है, वो प्राइवेट अस्पताल की तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट की योजना थोड़ी थोड़े दिनों के बाद आती है, अलग अलग आती है। ऐसे में अगर ये अस्पताल होता तो जिस तरीके से आज हमारे कब्रस्तान काम आ गया, उसी तरीके से अस्पताल हमारे काम आ गया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।